पहुंचे राहुल गांधी संसदीय बहाल होने के बाद पहली बार करेंगे संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा। संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता से रूबरू होंगे। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल को लोकसभा सदस्यता वापस मिली है। राहुल गांधी केरल स्थित कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं और वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से दो दिवसीय वायनाड दौरे पर रहेंगे। संसद सदस्यता वापस मिलने के बाद ये पहली बार होगा जब राहुल वायनाड की जनता से रूबरू होंगे, इसलिए इसे राहुल और कांग्रेस का पावर शो भी गिना जा रहा है। राहुल केरल स्थित कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सर ने मामले में राहत मिलने के बाद बीते सोमवार यानी 7 अगस्त को लोकसभा सदस्यता वापस मिली थी। शीर्ष न्यायालय के 4 अगस्त को मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता बहाल कर दी थी। सिद्दीकी ने कहा कि वायनाड के इतिहास में राहुल गांधी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। इस बीच राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन बंगला में भी फिर से आवंटित किया गया है। राहुल गांधी को दिल्ली में एक सांसद के रूप में बंगला आवंटित करने के लिए एस्टेट कार्यालय से आधिकारिक पुष्टि मिल गई है। कांग्रेस नेता को उनकी दो सिद्धि के परिणाम स्वरूप 24 मार्च को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और मोदी उपनाम टिप्पणी के लिए उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।